नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चीकू आइसक्रीम कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमें क्या सामग्री लगती है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके पहले हमें सबसे पहले जो चाहिए चीकू चाहिए, एक कटोरी हमें पीसी हुई शक्कर चाहिए। शक्कर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा चाहिए एक कटोरी हमें फ्रेश मलाई चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए एक कटोरी दूध चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है हमारे चीकू काटेंगे, और इसके अलावा चाहिए हमें एक वेनिला एसेंस चाहिए, कुछ मात्रा इसकी, कुछ बूंदे डालेंगे। तो आइए सबसे पहले कैसे क्या करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हम चीकू को जो है इसको काटेंगे, किस तरह से काटना वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो इसके जो है इस तरह से काट के जो इसके अंदर का गुद्दा निकाल सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। तो इस तरह से आप गुद्दा निकाल लीजिए, इस तरह से। तो आपको गुद्दा निकालना है इस तरह से, जमा कर लें गुद्दों को। तो दोस्तों, एकदम बिल्कुल फ्रेश जो है चीकू आइसक्रीम बनेगी, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बनाते कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। तो हमें गुद्दा गुद्दा निकाल लेना है इस तरह से। बीज है इसको अलग कर लेंगे हम। दोस्तों, बीज से कैसे चीकू का पौधा लगाया जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी निकाल के अलग रख लेता हूँ। आप चाहे तो इसको छिलके समेत भी डाल सकते हैं, लेकिन छिलके समेत डालने से जो है फिर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए आपको बिना छिलके के ही डालना है इसको। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए ये इस तरह से। दोस्तों, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में जो है तो मज़ा नहीं आएगा आपको। इस तरह से हाथ से करेंगे तो थोड़ा मोटा मोटा दरदरा टाइप होगा, तो आइसक्रीम में ज़रा अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हमने इसे गुद्दा निकाल लिया है, अब इसको जो है बारीक कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से कटिंग करना है, बहुत ही आसान है तरीका आइसक्रीम बनाने का। एकदम बिल्कुल फ्रेश चीकू आइसक्रीम बनेगी दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है इसको बारीक कटिंग कर लें। इसको अच्छे से चॉप कर लें बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, ये हो गया कटिंग, अब इसको हम इसमें डालेंगे अपने जो भी आपके पास मौजूद है, पतीली है या फिर कोई बॉल मौजूद है उसमें कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम शुगर डालेंगे हमारा, अब मैं एक कटोरी ले रहा हूँ, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क लूँगा मैं इसमें। इसके अलावा जो है ये मलाई, फ्रेश मलाई। तो दोस्तों, अब इसको अच्छे से फेंटना है अच्छे से, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे अच्छे से, पहले मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा इसमें हम जो है एसेंस डालेंगे थोड़ा सा, तो हम जो है इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे, 2 घंटे बाद देखते हैं क्या होता है। 2 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। दोस्तों, ये 1 घंटा हो चुका, अब हम इसे फेंटेंगे।
देखते हैं इसको क्या हाल है। दोस्तों ये देखिए हल्का हल्का जम गया, तो अब हम इसे फिटेंगे अच्छी से ताकि हम आसानी से मिक्स करेंगे इसको अच्छी से। तो हमारा चिक्की इसमें अच्छी से एकदम मिक्स हो जाना चाहिए। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। तो आपके पास जैसा भी मोल्ड हो उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, तो मैं इसमें भरूंगा। कैप लगा दूंगा मैं, दोस्तों सामग्री बता चुका हूँ आपको। तो उस तरह से आप सामग्री डालिए इसमें और इसको आपको फ्रिज में आधा से लेके एक घंटे तक रखना, उसके बाद आपको फेंटना और फिर इस तरह से जो है आपको मोल्ड में डालना है। किसी भी आकार का ले सकते हैं आप, अगर ये नहीं है तो आप किसी कटोरी में भी बना सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से कटोरी में डाल सकते हैं। देखिए और इसको चम्मच को ऐसे ही डाल के फ्रिज में रख देंगे हम। तो जब ये तैयार होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए, हम इसे फ्रिज में रखेंगे। दोस्तों 5 घंटे हो चुके हैं, देखते हैं क्या हाल है। तो देखते हैं दोस्तों क्या हाल है। तो दोस्तों इसको मैंने पानी में जो है इसको हिलाया है ऐसे करके, अब निकाला है, देखते हैं। दोस्तों ये हमारी चिकू आइसक्रीम तैयार है। मैंने फ्रिज में इसको 5 घंटे रखा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कटोरी में बच्चों को खिलाने के लिए जो होती है। देखिए इसको मैंने यहाँ से पानी दे दिया नीचे से, देखिए इस तरह से ये हिल जाएगा आराम से। ये बच्चे लोग आइसक्रीम की तरह खा सकते हैं, अगर आपके पास अगर स्टिक नहीं है तो आप इस तरह से चम्मच लगा सकते हैं। तो दोस्तों बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ आप अपने मित्र प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।